हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको नमस्ते। आज फ्रेंड्स हम बनाएंगे मूंग की दाल के राम लड्डू बाजार जैसे। इसको बनाने के लिए जो हमने सामान लिया है, ये चने की दाल ली है मैंने एक कटोरी, और ये दो कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ली है जो मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। अब हम इसको पहले पीसेंगे। जार लेंगे, इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी मैं। थोड़े से कड़ी पत्ते डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, और अब इसको हम पीसेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए, हमने पीस ली है चने की दाल। अब हम इसको निकालेंगे। ये हमें ज्यादा बारीक नहीं पीसनी है, ऐसी लेनी है दरदरी टाइप में। अब हम मूंग की दाल पीसेंगे। ये देखिए, ये भी हमने पीस ली है, इसको निकालेंगे। अब देखिए, ये हमने पीस लिया है, और ये हमने बारीक नहीं पीसा बिल्कुल भी, थोड़ा इसको दरदरा रखा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी हींग डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालूंगी सफ़ेद, आधा चम्मच सफ़ेद नमक डालूंगी। और अब इसको हम जो है फेंटेंगे, और एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे, इसमें हवा भरेगी, इससे हमारे जो है लड्डू जो है बहुत ही फ्लफी और सॉफ्ट बनेंगे। कम से कम हमें 10 मिनट इसको ऐसे ही फेंटना पड़ेगा एक ही डायरेक्शन। अब देखिए, इसमें काफी हवा भर गई है, और ये देखिए कैसे फूला फूला हो गया। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इतने हम चटनी बना लेते हैं। झाड़ लेंगे, ये हरा धनिया डालूंगे, ये हमने मूली के पत्ते लिए हैं, ये भी डाल देंगे, और ये हरी मिर्च ली है, ये भी डाल देंगे।
ये थोड़े से मैं कड़ी पत्ते भी डाल दूँ, अच्छे होते हैं ये, अच्छा फ्लेवर आता है। और नमक डालूंगी, और मैं नींबू नहीं डाल दी, नींबू की जगह मैं इमली डाल दी हूँ, क्योंकि खट्टी खट्टी चटनी जो है राम लड्डू के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं इमली डाल के बनाऊंगी। ये देखिए चटनी भी बन गई है, और इस चटनी को निकालेंगे। ये हमारी चटनी बन गई है, अब इस चटनी को हम ढक के रखेंगे। और ये हमने मूली जो है गार्निश के लिए रखी है, कद्दूकस की हुई थी, दोनों रखेंगे। अब हम 10 मिनट हो गए हैं इसको, ये देखिए कितनी हवा भर गई है इसमें और कितना फूल गया है ये। अब इसमें हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, और इसको घुमाएंगे। अब हमने इसमें रिफाइंड ले लिया है, ये मोटे तले की कढ़ाई ली है और इसमें रिफाइंड डाल लिया है, इसको हम गरम करेंगे। इतने तेल ये रिफाइंड गरम हो रहा है, हम इसको और चला लेते हैं थोड़ी देर। ये देखिए रिफाइंड गरम हो गया है, अब हम इसको सिम कर देंगे। और ये हमने एक कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम हाथ गीला करेंगे और अपनी उंगलियों को हम ऐसे शेप में लेंगे, ऐसे ऐसे, जो कि लड्डू बिल्कुल गोल बने, इस शेप में लेके हम बनाएंगे। ये देखिए ऐसे लेके और ऐसे छोड़ देंगे, ये देखो कितने आराम से इसमें आ रहा है, ऐसे करके और ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा पानी लगाएंगे,
जितना कढ़ाई में आए उतने ही डालना, ज़्यादा डालोगे तो घिचपिच हो जाएगी और फिर उल्टा पलटी करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़े ही डालें। आप देख सकते हैं ये अब जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे, देखिए और बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें इस बैटर में कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर, उससे और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे, लेकिन मैंने नहीं डाला है। ऐसे करके हम सारे बना लेंगे। अब देखिए ये भी हो गए हैं और हमने सारे बना लिए हैं, इनको भी निकालेंगे, गैस बंद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप भी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ये हमने बना लिए हैं सब। देखिए हम राम लड्डू का मिक्स करेंगे। पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने हम पानी में रखे थे, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितना पानी नहीं चल रहा है इसमें से, ये देखिए। अब हम इसको गार्निश करेंगे लड्डुओं को, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, ये देखिए कितने आराम से दब रहे हैं। ये हमने लड्डू रख लिए हैं, अब हम इस पे मूली डालेंगे। चलिए अब चटनी डालेंगे।
के हरी चटनी डालेंगे। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं, एक बार आप जरूर ट्राई करें। थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूंगी अच्छे फ्लेवर के लिए। थोड़ी चटनी और डालूंगी, थोड़ी प्याज और डालूंगी। ये देखिए हमारे मूंग की दाल के राम लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय।